कोलैप्स कर गया है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में ही वहाँ से पानी आने लगा, मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, जिस पे मुख्य पुजारी महोदय ने अपनी आपत्ति जताई। हमने देखा अटल सेतु का हाल, हमने देखा जबलपुर टर्मिनल गिर गया, हमने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस टूट फूट के बर्बाद हो गया, हमने देखा पूरी की पूरी अयोध्या, जिसकी विकास की गाथा गाते गाते बीजेपी थकती नहीं थी, वो अयोध्या पहले ही पानी में किस तरीके से जल भराव का शिकार हो गई। और ये टर्मिनल वन का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल वन के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार, आपकी जान चली जाए इनको कभी मतलब नहीं। हमने देखा किस तरीके से गुजरात के अंदर पुल गिर गया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो जहां जहां भाजपा है वहां वहां भ्रष्टाचार है। ये छत बारिश के कारण नहीं गिरी है, भ्रष्टाचार के कारण गिरी है, लूट की छूट के कारण गिरी है। इसका आपको जवाब देना होगा, इसका नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जवाब देना होगा कि रेत में सीमेंट मिला था या सीमेंट में रेत मिली थी। बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार किसके कहने से हुआ, ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ, ये भ्रष्टाचार कब हुआ, और जिसके लिए जो दोषी हैं उनको आप सजा क्या देंगे। एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ जबलपुर का एयरपोर्ट तो छत गिर जा रही है, दिल्ली के एयरपोर्ट तो छत गिर जा रही है, आदमी असुरक्षित हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, इस भ्रष्टाचार का आप जवाब दीजिए कि इसके जिम्मेवार कौन है।